हमारे पास दलित कम्युनिटी से बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले चुनाव में उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से वो वोट करेंगे। सबसे पहला जो मुद्दा है कि भारत में पूरे में 2 अप्रैल को SC ST एक्ट का विरोध भी किया और वो बहाल भी होगी। बहाल होने के बाद ठाकुरों ने फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा दी। केंद्र सरकार खुद एक्ट को कमज़ोर कर रही, चाहे वो SC ST एक्ट है, चाहे वो भारतीय संविधान है, चाहे वो मजदूरी का कोई भी लोग है, मजदूरी नहीं मिल पा रही सही समय पर। मंदिर की हमारी जगह थी जहाँ मूर्ति रखे थे, अपनी जगह थी नहीं जी, उसमें हमारा काम चलन दिया उन्होंने इस सरकार ने, भाजपा ने। जो भाजपा सरकार है उससे जो है गरीब जनता, किसान, मजदूर, नौजवान जो है बहुत त्रस्त है, और ये मेरे हिसाब से गरीब विरोधी सरकार है जी। मुद्दे तो देखो देश में ऐसे तो इलेक्शन 80% जाति का आधार पर हो रहा, लेकिन मुद्दा तो यह है दलित समाज के लिए तो कि दलित को सबको अपने करना खाना है, लेकिन उसको इज्जत के साथ जीना मिलना चाहिए। BJP चलती है स्क्रिप्ट पे, यानी पेपर वर्क पे, और हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है जो पेपर वर्क करके दिखाता है ना, वो कभी सरकार दोबारा रिपीट नहीं होती। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके खिलाफ बहुत गुस्सा है दलित कम्युनिटी में, वो बोल रहे हैं कि इनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, शब्बीरपुर की घटना को ये भुलाने के लिए तैयार नहीं है। 5 मई 2017 में यहाँ पे जातीय दंगा हुआ था, उसमें हमारे समाज के लगभग 55-60 घर उन लोगों ने जलाए थे जो भाजपा सरकार के टाइम में हुआ, और भाजपा के ही लोगों ने ये घर जलाए, तो हम बिल्कुल इसके विपक्ष में हैं, हम भाजपा को बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। आज तक कोई मेरी कहीं आज तक ना तो पुलिस में, ना पुलिस प्रशासन करती, ना कोई नेता करता, हमारा किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। हमारे यहाँ जो 5 तारीख को घटना हुई थी उसके बारे में किसी ने कोई हमारी कोई सुनाई नहीं करी। योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसमें उन्होंने क्या काम किया, योगी सरकार ने जितने भी वे मुसलमान हुए, चमार हुए, इन्हीं में इंकाउंटर करवाए पुलिस पर, और किसी ने नहीं करवाए। पहले भी सरकार रही, यहाँ मायावती की भी रही, उसकी अखिलेश की भी रही, जितने भी इंकाउंटर हुए हैं सारे इसके सरकार में ही हुए। हमने इनसे जानने की कोशिश की कि जो भाजपा का नारा है मोदी है तो मुमकिन है, उस पर इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जवाब आया कि हाँ मुमकिन है, जातिवाद मुमकिन है, मोदी है तो जातिवाद 100% हो जाएगा, वो अब तो 80% फिर 100% हो जाएगा, ये मुमकिन है बस। गलत है जी, मोदी है तो मुमकिन कैसे है जी, है जी, मोदी से कोई राजनीतिक आदमी नहीं है जी बड़ा जी। गलत है जी, मोदी है मुमकिन है जी, शिक्षा है तो मुमकिन है, तो मुमकिन है। यदि आदमी शिक्षित होगा तो सब चीज़ करेगा ना, उसे सभी नॉलेज हो क्या गलत है क्या सही है, यदि शिक्षा होगी ना तो मोदी नहीं होगा, ये 100% है। आपको ऐसा लगता है पिछले 70 साल में कोई काम नहीं हुआ? हाँ जी हुआ, बहुत अच्छे काम हो गए। नीरव मोदी लेगा भाग गया पैसे, ललित मोदी भाग गया, जेट एयरवेज घाटे में चली गई, इंडिया जो बैंक है वो घाटे में जा रहे, PNB घाटे में जा रहा, और बताओ इतने अच्छे अच्छे काम तो कर दे मोदी ने। भ्रमित कर रहे पब्लिक को भाजपा वाले, इसके साथ मीडिया भी बहुत लग रही हर जगह भाजपा ही। अब राहुल जी ने ऐलान कर दिया 72,000 रुपये साल देंगे हम, राहुल जी बोलते हम पैसे कहाँ से लाओगे, लेकिन जब इन्होंने कहा था 15 लाख दूंगा, जब किसी ने पूछा 15 लाख कहाँ से लाओगे, तो मतलब कांग्रेस को इसे दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि बिल्कुल बेकार है भाजपा, ये जो कुछ है राष्ट्रवादी भाजपा के भीतर। प्रियंका योद्धा में चले जाओ, क्यों गई योद्धा में, हम ही चले जाएंगे राम को देखने, तो मतलब भाजपा कांग्रेस को तो ऐसे दिखाया जाएगा, कांग्रेस बेकार पार्टी, इसके मतलब कुछ नहीं है बस का। भाजपा का नियम है, एक नियम क्या है भाजपा का, जो बड़ा आजमा बड़ा जजा होता है, और जो गरीब है वो तेरा ज्यादा धसता है, ये उसका नियम है। मोदी जी को मेरा एक मैसेज है, आप दोबारा तो आने के, क्योंकि आपने पेपर वर्क किया, क्योंकि उनकी पार्टी सिर्फ ए बहुत बढ़िया, उनके पास लीडर है जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, यानी टुडे नेक्स्ट डे करना क्या है, नेक्स्ट डे उन्होंने लिखा कि भाई प्रयागराज जाएंगे नरेंद्र मोदी, तो उसे पूछा हाँ भाई कल क्या करना है, अग जी आप पब्लिसिटी, हाँ पब्लिसिटी का है, उनके जो दलित है ना उनके पैर छुओ, ठीक है उनके पैर दो, यानी उनकी पार्टी जो है पूरे टोटल स्क्रिप्ट लिखते हैं कि कल को हमें करना क्या है। ये तो बताओ एक प्रधानमंत्री पद पर होगा इतना बड़ा, पाँच धो क्या दिखाना चाह रहा है, कि ड्रामा करना चाह रहा है कि मैं इनके पैर दूँ इलेक्शन के लिए, उनके लिए उनके बच्चों को नौकरी का प्रावधान करो ना कुछ ऐसा, उनका बोनस बढ़ाओ, ये पैर धोने से थोड़ा कुछ हो जाएगा, उन्हें पैर धो लिए रहेंगे तो गरीबी। कार्टून है किस्म के, जिस तरह भी जो भी फंडा जमाना पड़ा वही आजमाओगे, बाजीगर तो कुछ भी कर सके ना, जो भी फंडा उन्हें दिखा रहा वोट लेने का उसी फंडे को आजमाओगे। मैं तो अनएम्प्लॉयमेंट इनका एक मुद्दा है, एजुकेशन इनका मुद्दा है, लाइवलीहुड इनका मुद्दा है, रही रोजगार की बात,
जब से उत्तर प्रदेश सरकार आई और भारत सरकार केंद्र सरकार में मोदी जी आए, कितनी नौकरियां लड़कों को मिली। रेलवे का ले लो, हर साल 60-80 हज़ार रुपये पर ईयर वैकेंसी निकलती, अब आके निकाली 60 हज़ार, 1 लाख अब निकाली 1,60,000, अब 1 लाख का तो भरोसा भी नहीं, शायद भर्ती हुए ना हो, मतलब 5 साल में कुल 60 लाख वैकेंसी निकाल ली ग्रुप डी की, जबकि 5 साल में 8-4 लाख वैकेंसी निकलनी थी नॉर्मल तरीके जो सिस्टम चलता आ रहा था उस हिसाब से, तो कहाँ से नौकरी देती इन्होंने यार, कहते हैं रोजगार दिया। हमने इनसे ये भी जानने की कोशिश की कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो दलित समाज से उभरे हुए एक नेता हैं, यूथ लीडर हैं, उनके बारे में उनका कितना इन्फ्लुएंस होगा, वो अगर बसपा के अलावा किसी और पार्टी के लिए दलित समाज से वोट की अपील करते हैं तो उसका क्या एक्सेप्टेंस होगा। चंद्रशेखर का तो प्रभाव तो पूरा है, लेकिन वो हमारे समाज का आदमी है, हम उसे सरकार की तरफ नहीं मानते, हम उसे अपने समाज की तरफ मानते हैं, जैसे सामाजिक काम करता है वो हमारे लिए ठीक करे, लेकिन हम उसे वोट नहीं देने के, हम वोट देंगे गठबंधन। मोदी जी को दिखता है टीवी में जी, वो तो बहुत की जनता बहुत है, बहुत ही जनता उसकी, उनका तो एक बीघे जमीन एक बीघा घेर में 5 वोट हैं, और इनका दलितों का एक बीघा घेर में 100 वोट हैं, और ये मतलब मीडिया उछाड़ लिया है, अब बहुत वोट है, बहुत वोट हैं। चंद्रशेखर भाई का एक कहना है कि मैं सिर्फ मोदी के खिलाफ लड़ूंगा जहाँ से मोदी चुनाव लड़ेगा, और कहीं भी कोई सी सीट पर चुनाव नहीं लड़ने का। भाजपा बहन जी तो कह रही हैं कि चंद्रशेखर जो हैं वो भाजपा के एजेंट हैं, आरएसएस के एजेंट हैं। नहीं, अगर भाजपा के एजेंट होते तो भाजपा तो लड़ते, निर्दलीय क्यों लड़ रही थी जी, वाराणसी से निर्दलीय चुनाव बस एक सीट पर, वो भी मोदी के खिलाफ, क्योंकि उन्हें पता कि मोदी ने हमारे समाज पर कितना अत्याचार किया और कितना योगी ने करा। एक कॉमन राय है सारे लोगों से जब हमने बात की, वो ये कि चंद्रशेखर इनके समाज से निकले हुए यूथ हैं, वो सोशल वर्क में हैं, उनका रिस्पेक्ट है, उनको सपोर्ट है इस समाज का, लेकिन अगर वो बसपा के अलावा किसी और पार्टी के लिए वोट की अपील करते हैं तो उनकी ये बात मानी नहीं जाएगी।